किल्लतों से भरा इसलिए था क्योंकि कल देश भर में कैश की कमी हो गई थी। एटीएम बंद थे, एटीएम में पैसे नहीं थे। देश के कोने कोने में पैसों को लेकर जबरदस्त आक्रोश सामने आ रहा था। पीएम मोदी विदेश यात्रा पर गए हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ऐसे पेश आ रहे थे जैसे मानो कोई बहुत बड़ी बात ही नहीं हुई है। और कल का जब दिन देखा गया तो ऐसा लगा कि जैसे कि डीमोनेटाइजेशन यानी कि नोटबंदी का दौर याद आ गया था, जब घंटों लाइन में लगकर लोग पैसों के लिए जद्दोजहद करते थे। यहाँ तक कि लोग रात के 12 बजे जाकर एटीएम के बाहर खड़े होते थे ताकि उन्हें आसानी से पैसे मिल सकें। कल कुछ ऐसा ही हाल नजर आया है देश के कई कोने में एटीएम में पैसों की किल्लत देखी गई है। और इसको लेकर कल जब मोदी सरकार को घेरा गया तो वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बयान दिया कि जहां भी पैसों की कमी देखी जा रही है वहां पैसों की कमी को पूरा किया जाएगा। लेकिन इसी मामले के मद्देनज़र एक रिपोर्ट सामने आई है एक जानी मानी वेबसाइट पर कि ये पैसों की कमी इसलिए हो रही है क्योंकि आगामी चुनाव के लिए रुपया इकट्ठा किया जा रहा है और इसलिए एटीएम में पैसे की कमी देखी जा रही है। मैं आपको खबर दिखाऊंगी, दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज पर है। बकायदा एक कार्टून पब्लिश हुआ है और राहुल गांधी का ट्वीट भी है, बहुत से इसमें खाके बताए गए हैं। इसमें आप देख सकते हैं दिल्ली समेत 10 राज्यों में एटीएम सूखे, 13 दिन में 5 गुना ज्यादा नोट निकले, इतनी ही तेजी से छपाई शुरू। आप कार्टून पे गौर करिएगा, एटीएम में तो कैश है नहीं, अस्पताल चले। नीचे लिखा है जो दूसरा शख्स है उसके हाथ में पेपर है, उसमें लिखा है पुरुष नसबंदी पर अब मिलेंगे 3,000 रुपए। ये अच्छा किसी ने इसमें कटाक्ष किया है, कल जो पैसों की किल्लत हुई है। राहुल गांधी का ट्वीट सामने आया है, समझो आप नोटबंदी का फरेब, आपका पैसा नीरव मोदी की जेब। मोदी जी की क्या माल्या माया, नोटबंदी का आतंक दोबारा छाया, देश के एटीएम फिर से खाली, बैंकों की क्या हालत कर डाली। क्या शायराना अंदाज सामने आया है राहुल गांधी का ट्विटर पर। नोटबंदी से 4 दिन पहले 4 नवंबर 2016 को 17.74 लाख करोड़ के नोट सर्कुलेशन में थे और अभी 18.4 लाख करोड़ के नोट सर्कुलेशन में है। गुजरात, बिहार, झारखंड, हर जगह पैसों की किल्लत देखी गई। यहां तक कि राष्ट्रीय राजधानी के पॉश इलाकों में एटीएम भरे घनी बसाहट के बीच एटीएम खाली हो गए। ये इस तरह के हालात सामने आए हैं और 5 स्तरों पर सफाई, वित्त मंत्री समेत 2 मंत्री, 1 अफसर मंत्रालय और आरबीआई ने कहा जल्द सुधारेंगे हालात। एटीएम में नकदी की कमी, जनवरी से ही नकदी की मांग ज्यादातर राज्यों में दोगुनी हो गई थी और क्यों हुआ 2000 के नोट की छपाई बंद होना, और शादी का सीजन है इसकी बड़ी वजह, और आगे क्या छपाई तेज, 3 से 4 दिन में सुधार के आसार जताए जा रहे हैं। शादी का सीजन चल रहा है निस्संदेह और इन्होंने इसमें जो खबर आई है 18 लाख करोड़ की नकदी चरण में है, इनमें 6.7 लाख करोड़ रुपए 2000 के नोटों में है और लोगों से ये नोट वापस नहीं आ रहे हैं, इनकी छपाई भी बंद है और 2000 के जो नोट है एटीएम में डालने पर 60 लाख रुपए तक आते हैं, पर छोटी करेंसी 15 से 20 लाख रुपए तक की आते हैं और सिर्फ 30% एटीएम 200 के नोट के लिए कैलिब्रेटेड है और इस बीच शादी का सीजन जारी है। ये है दिल्ली सहित देश के 10 राज्यों में पैसों को लेकर चल रही किल्लतों को लेकर बड़ी खबर। दैनिक भास्कर ने इसे अपने फ्रंट पेज पर इम्पोर्टेंस दी है। हालांकि एक छोटी सी खबर पब्लिश हुई है लेकिन इसकी भले ही खबर छोटी है लेकिन इसके मायने बहुत बड़े हैं निस्संदेह, और ये खबर जुड़ी है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के सभी 9 मंत्रियों का इस्तीफा हो गया है लेकिन गठबंधन पर कोई आज नहीं आएगी। अगर मैं आपको बताऊं जम्मू कश्मीर असेंबली का जो वो पूरा अगर जो इतनी सीटें हैं 87 सीटें हैं विधानसभा में और 25 सीटें बीजेपी ने जीती थी और 28 सीटें पीडीपी ने जीती थी, जो वहां पर इलेक्शन हुए थे और उसमें पीडीपी और बीजेपी की गठबंधन की सरकार सामने आई। लेकिन कठुआ कांड के बाद 2 मंत्री फंसे, लाल सिंह और चंद्र प्रकाश गंगा, जिनको हिंदू एकता मंच से आरोपियों का समर्थन देते हुए देखा गया था और उसके बाद काफी हो हल्ला हुआ और फिर उनका इस्तीफा स्वीकार किया महबूबा मुफ्ती ने। और लेकिन ये मीडिया में अभी खबर सामने आई है, लेकिन महबूबा मुफ्ती दिल्ली आई थी, उन्होंने राजनाथ सिंह से मुलाकात की थी
लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं लगी। महबूबा मुफ्ती इसी सिलसिले में दिल्ली आई थी और उन्होंने पीएम मोदी और गृह मंत्री राजनाथ सिंह से दो मंत्रियों की शिकायत की थी, जिनके नाम मैंने आपको बताए हैं, लाल सिंह और चंद्र प्रकाश गंगा। और ऐसे में जिस तरीके से वहाँ पर नौ मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है, वहाँ की सियासत अब और कोई और रुख नहीं ले सकती है। कठुआ कांड, 8 साल की बच्ची के साथ बलात्कार, उसके बाद वहाँ पर हो हल्ला केस था जनवरी का, अप्रैल में सबसे ज़्यादा हो हल्ला हो रहा है। बीच में क्या हुआ, सांझी राम को मुख्य आरोपी बनाया गया। सांझी राम कहता है, उसकी बाइट सामने आई है, उसने कहा है कि जब यहाँ पर इस मामले को एक तरीके से धार्मिक एंगल दिया जा रहा है, और जो बाइट आई है, वो बाइट अगर मैं आपको बताऊं तो उसने साफ साफ कहा है मीडिया से कि यहाँ पर एक बच्ची का गैंगरेप हो गया, उस पर हो हल्ला हो रहा है, लेकिन जब यहाँ पर बहुसंख्यक की लड़कियों के साथ होता था तो कोई मीडिया नज़र नहीं आता था, ये सांझी राम ने कहा है। अगली खबर की तरफ करते हैं। अगली खबर है रक्षा सहयोग से जुड़ी, जनसत्ता के फ्रंट पेज पर खबर है, रक्षा सहयोग मजबूत करेंगे भारत और स्वीडन। स्टॉकहोम में मोदी लो फ्रेंड शिखर वार्ता, नवोन्मेष भागीदारी पर सहमति हुई है। इसके अलावा बड़ी खबर, 8 राज्यों में नकदी का संकट, इसको भी वरीयता दी है। और जम्मू कश्मीर में जो भाजपा मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है उसकी भी खबर है। लेकिन अभी फिलहाल बात करते हैं वैश्विक स्तर की। भारत और स्वीडन ने रक्षा सौदों, साइबर सुरक्षा और क्षेत्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ाने का फैसला किया है, और इसके साथ ही दोनों देश आपसी लाभ के लिए नवोन्मेष क्षेत्र में भागीदारी पर भी सहमत हुए हैं। इस वक्त विदेश पीएम मोदी विदेश यात्रा पर हैं, लेकिन जो विरोधी पार्टियां हैं वो लगातार कह रही कि देश में इतना बवाल हो रहा है कठुआ उन्नाव कांड को लेकर, और आप विदेश यात्रा करने में मशगूल हैं। अलका लांबा आम आदमी पार्टी की नेता हैं, उन्होंने साफ साफ कहा है पहले विदेश घूमिएगा और हो सकता है कि आप विदेश में ही रहिएगा, क्योंकि जरूरत नहीं है शायद आपको देश आने की, देश से शायद आपको सरोकार नहीं रह गया है। खेल की बात करती हूँ, खेल में आप देख सकते हैं रोहित लुइस ने दिलाई मुंबई को जीत, और निशानेबाजी को शामिल नहीं करने पर भारत को 2022 राष्ट्रमंडल खेलों का बहिष्कार करना चाहिए, ये कहा है राजेंद्र सिंह ने। इसके अलावा नई दिल्ली में मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पदकों को दिखाते राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले निशानेबाज तेजस्वी सावंत, मेहरू घोष और अंजुम, और घरेलू हिंसा मामले में कोलकाता पुलिस ने मोहम्मद शमी को तलब किया है। हालांकि कल मोहम्मद शमी ने ये कहा था, अपने वकील के जरिए एक लेटर पहुंचाया है कोलकाता पुलिस के पास कि मैं आईपीएल खत्म होने के बाद जांच में सहयोग करूंगा और जैसा आप कहेंगे वैसा करूंगा, लेकिन अभी मेरा बिजी शेड्यूल है, मैं नहीं आ सकता हूं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो मुश्किलें हैं वो कम होने वाली नहीं है लग रहा है मोहम्मद शमी की। और ऐसे में बड़ी बात तो ये है कि अब देखना होगा कि हसीन जहां जिस तरीके से इस केस को कहीं ना कहीं उनके क्रिकेट करियर को प्रभावित करने की कोशिश कर रही हैं, ऐसी भी खबर सामने आ रही है कि शायद मोहम्मद शमी जो हैं वो कोलकाता जा सकते हैं, और उनका आईपीएल खेलने पे भी कहीं ना कहीं एक डाउटफुल जो है वो नज़र आ रहा है कि वो खेल पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे। हालांकि उन्होंने साफ साफ कहा है कि मैं अभी जाँच के लिए नहीं आऊँगा। अभी फिलहाल तो यही बड़ी अपडेट है। अब बात करते हैं एनबीटी के फ्रंट पेज की। नोटबंदी को लेकर ही फ्रंट पेज पर खबर सामने आई है, केंद्र ने अब दिल्ली सरकार के 9 सलाहकार हटाए हैं, इसको वरीयता दी गई है। सलाहकारों को हटाने का मोदी सरकार का फैसला दिल्ली की शिक्षा क्रांति पर बुरा असर डालने वाला है, यह असर में दिल्ली सरकार को ठप करने की साजिश है, ऐसा कहना है दिल्ली के उप मुख्यमंत्री यानी कि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से सलाहकारों को हटाया गया उससे आम आदमी पार्टी की कार्यशैली पर आम आदमी पार्टी की कार्यशैली कमजोर हो सकती है। इसके अलावा एटा में रेप, बच्ची की हत्या, शव के पास मिला आरोपी, लगातार एनसीआर के आंकड़े तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि 4 घंटे में हर एक लड़की के साथ बलात्कार होता है। ये देखिए एनबीटी का रियलिटी चेक आपको दिखाते हैं, महिला सुरक्षा वाले दिल्ली पुलिस के हिम्मत ऐप का सबसे टफ रिव्यू। 5 दिनों तक सुबह से लेकर आधी रात तक एनबीटी ने किया टेस्ट, SOS बटन दबाते ही कॉल आती है, मैडम मैं हिम्मत प्लस हेल्पलाइन से बोल रही हूँ, क्या आपको पुलिस की मदद चाहिए। एनबीटी का रियलिटी चेक है। और ये देखिए व्हाट्सएप पे आ रहे मैसेज ने बढ़ाई टेंशन, लोग दौड़े ATM। सोशल मीडिया भी कभी कभी अपनी जो भूमिका है वो बहुत गंदे तरीके से निभाता है, कहीं ना कहीं इससे लोग स्मृति से बस सुलूकी करने वाले कोर्ट में तलब, ये बड़ी खबर सामने आई है। स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री, उनके साथ बदसलूकी हुई है, दिल्ली पुलिस ने साल 2017 में
केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के साथ कथित रूप से बदसलूकी करने और उनका पीछा करने के मामले में दिल्ली यूनिवर्सिटी के 4 छात्रों के खिलाफ कोर्ट में अपनी फाइनल रिपोर्ट पेश कर दी है और इसमें चारों आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 डी यानी पीछा करना, 509 महिला से अश्लील व्यवहार का आरोप है और डीयू के 4 स्टूडेंट पर पीछा और दुर्व्यवहार करने का आरोप है और चारों शराब के नशे में धुत थे और तब थाने से मिल गई थी बेल। अब बात करते हैं एनबीटी के 16 नंबर पेज की। इस वक्त जो है हिंदू टेरर काफी चर्चाओं में है। कल बकायदा संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कहा है कि राहुल गांधी को शर्म आनी चाहिए, सोनिया गांधी को माफी मांगनी चाहिए कि वो लिट्टे को कहते हैं कि उनसे खतरा नहीं है, वो कहते हैं कि सिमी से उनको खतरा नहीं है, जितना खतरा उन्हें बहुसंख्यक आतंकवाद से है यानी कि हिंदू टेरर से है और इस पे उन्हें शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने कैसे कह दिया हिंदू आतंकवादी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मक्का मस्जिद ब्लास्ट केस में स्वामी असीमानंद समेत सभी आरोपियों के बरी होने के बाद हिंदू आतंकवाद शब्द को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है और बीजेपी ने मांग की है कि कांग्रेस को भगवा और हिंदू आतंकवाद जैसे शब्दों के लिए माफी मांगनी चाहिए और लश्कर को दिया था कवर फायर। पात्रा ने उन विकिलीक्स के केबल का हवाला दिया है जिनके मुताबिक 20 जुलाई 2009 को एक डिनर में राहुल गांधी मौजूद थे और इस दौरान यूएस एम्बेसडर ने राहुल से लश्कर को लेकर पूछा था। इस पर उन्होंने क्या कहा, इसका भारत में थोड़ा बहुत सपोर्ट हो सकता है लेकिन देश में हिंदू आतंकवादियों अतिवादियों से ज्यादा बड़ा संकट है और इस मामले पर पात्रा ने कल कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को जमकर घेरा था।